ये देखें, हाँ जी पापा जी, ये क्यों लगाई है, उतारो इसको। टाइम हो चुका है 1:10 और मुझे पता ही नहीं चला का। ऐसे ऐसे टाइम गुजरता है, खोल दी थी, टाइम ऐसे ऐसे गुजरता है पता ही नहीं चलता, और लाइट भी नहीं है, और मोबाइल की वो बैटरी लो हो रही थी, मैं फ्लैश ऑन कर रहा था इसकी, फ्लैश वो एरर दे रहा था कि नहीं ऑन होगी क्योंकि बैटरी लो है, तो काफ़ी चल जाएगी पर बीच में कोई पता नहीं बंद भी हो जाए आईफोन की, कोई नहीं दूसरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं, उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आएगा, व्लॉग पसंद आए मस्त लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से शेयर कर दें। तो मम्मा भी चीनी थी आलू के चावल भी पड़े थे, पर मम्मा ने कहा था मैं आलू की भुजिया भी बना दी क्योंकि वो काफ़ी पसंद है, मुझे भी पसंद है, पापा को भी और मम्मा को भी, काफ़ी खाई जाती है और काफ़ी मज़े की होती है आलू की भुजिया। अक्सर मैंने वीडियो में दिखाया होगा आलू की भुजिया, आलू की भुजिया हम भुजिया कहते हैं, ऐसे आलू की जो मर्जी कहें। तो अभी इनको खोला था सारा, आगे से हटा दिया था मम्मा ने सुबह उठ के, मैं तो सोया हुआ था, मैं तो अभी उठाऊँ, मम्मा ने कहा था कि इसको हटा दो क्योंकि आजकल काफ़ी गर्मी होने लगी है। तो ये भी मैंने अभी ये अपर पहना, नीचे एक शर्ट, बस आइनक भी आया नीचे, फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मौसम बिल्कुल क्लियर, हर चीज़ क्लियर, बारिशें वगैरह तो अभी तक नहीं बताई इन्होंने, धूपें तो सही मज़े वाली लग रही हैं आजकल। लाइट ये बटन ऑन कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके, ओ लाइट भी आ चुकी है, मैं ये देखना चाह रहा था ताकि हमें पता चल सके कि अच्छा कर हूँ कि लाइट आई है जे नहीं, नहीं तो अक्सर ये होता कि लाइट आई होती हमें पता ही नहीं होता। फ्रिज भी ऑन कर देते हैं, इसका बटन भी ऑन, और अंदर मैं देख लूँ, मैंने अपने बिस्तर से मिटा था या नहीं देख लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह समेटा है। मोबाइल मेरे से छूटने लगा था आज से, तो उस दिन मैं जैसे बता रहा था कि मैं डेली व्लॉगिंग का मम्मा से पूछूंगा कि शुरू करूं या नहीं, अब व्लॉगिंग तो कर रहा हूँ पर डेली बेस पे जो होती है, जो रोज़ाना वीडियो आती है, तो मम्मा से पूछता हूँ मम्मा डेली व्लॉगिंग शुरू करूँ या नहीं दोबारा, जो उसी मैं पहले करता था, व्लॉगिंग तो करूँगा पर डेली डेली कर लूँ। चलो ठीक, मम्मा ने इजाज़त दे दी कि कर लो डेली व्लॉगिंग, इंशाल्लाह मैं सोचता हूँ, देखता हूँ कि कैसे शुरू की जाए, कंटेंट कहाँ से लाया जाए मज़े मज़े वाला, ताकि ना थोड़ा फ़नी भी बीच में लेके आया जाए ना, कि आप लोगों को मज़ा आए और मुझे भी मज़ा आए व्लॉगिंग करने का। अभी मैं रिमोट ढूंढ रहा था, वो स्टैंड वाला ब्लूटूथ मिल नहीं रहा, ये तो दूसरा स्टैंड है, टूटियाँ अंदर देख। मम्मा वो जो ब्लूटूथ वाला स्टैंड था, जो रिमोट था, वो कहाँ है, मम्मा से पूछो। पेटी में हर चीज़ पेटी में, जो एक्स्ट्रा बात ये जो मैं यूज़ ना करूँ तो पापा जो मम्मा पेटी में रख देते हैं इसे, ताकि बाहर ना पड़ी रहना, इधर उधर उधर देखते हैं, इधर स्टोर में, स्टोर में होगा, देखते हैं इसमें तो सामान ही भरा है। मम्मा किधर है, और मैं पेटी में ढूंढ रहा था और निकला इस डब्बे में से, यहाँ पे पड़ा था पेटी में, वो दूसरा बड़े वाला पड़ा था जो रिंग लाइट वाला, इसके साथ ये जो रिमोट होता है ना, मिल गया, इसको उतार लेता हूँ, बाकी स्टैंड का तो अभी कोई काम नहीं है। तो ये रिमोट बड़ा इम्पोर्टेंट है ताकि वीडियो सही से बन सके ना, तो यहीं से मैं क्लिक कर दूँ वीडियो ऑन भी हो जाए, यहीं से मैं क्लिक कर दूँ वीडियो बंद भी हो जाए। मम्मा ने तो इजाज़त दे दिया, अब मेरी मर्ज़ी मैं करूँ ना करूँ, मैं भी बड़ा ढिला हूँ, तो शुक्रिया जी मम्मा आपने इजाज़त दी। मम्मा तो पहले भी कह रही तुम्हारी वीडियोस बहुत कम है, तुम डेली बेस पे बनाया करो, पर मेरे बीच में पेपर आ गए थे तो इसलिए मैंने फिर बनाई नहीं, मेरी आँखें पता नहीं क्यों नहीं खुलती, स्कूल का भी टाइम देना होता है, स्कूल को भी टाइम देना होता है, ज़ाहिर पढ़ाई भी होती साथ, डेली व्लॉगिंग करने बैठ जाओ ना तो फिर पूरा दिन बंदा व्लॉगिंग में लगा रहता है, फिर एडिट भी करनी होती है, डेली बेस पे नहीं होती, कोई हो ना साथ कोई और एडिट शेडिट करने वाला, उसको बंदा दे दे, खाली मैं वीडियो बनाऊँ उसको बंदा एडिट करने के लिए दे दे, तो खुद बंदा बैठ के आराम से पढ़ देना। मम्मा कह रही हैं सिस्टर को
सिखा दो अपनी बहन को, तो वो कर दिया करेगी, तुम बना दिया करना उसको ट्रांसफ़र कर दिया करना, वो तुम्हारी वीडियो एडिट कर दिया करेगी, तो इंशाल्लाह उसको भी सिखाते हैं, तो मेरा थोड़ा बोझ कम होएगा, तो मुझे कोई टेंशन नहीं आया करेगी, तो देखता हूँ मैं भी सेटअप, इंशाल्लाह कल भी आएगा परसों भी, डेली बेस पे व्लॉग में बनाया करूँगा ताकि वीडियोस थोड़ा ऊपर ऊपर जाएँ, रैंक में जाएँ और सर्च में। सब्सक्राइब करें मम्मा, क्या करें, सबको भी बताओ ना, सबको बताएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मम्मा का ही मत। तो मैं पी रहा था चाय, तो कप उठा लेते हैं, पी ली थी, और आखिर में आप भी कह रहे हैं क्यों बच जाती, क्योंकि पत्ती होती है, पत्ती वाली चाय पीनी चाहती, यही समझ लें। तो दूसरा मोबाइल मैंने मम्मा को दिया था, और ये वाला आईफोन मैंने रख लिया मतलब वीडियो बनाने के लिए, तो मम्मा को मैंने दूसरा दे दिया, ये लिया, वो कुछ वीडियोस वगैरह देखनी थी, पता नहीं मुझे कौन सी, तो उनको मैंने दिया वो। और मैं एक और बात बताऊँगा आपको, अभी मैं इधर अंदर बैठा था और इनकी लड़ने की आवाज़ आई थी मुझे, इनकी तो पता नहीं कौन सी अब लड़ी थी, मैंने अंदर गया हूँ डोली से छुड़वाया, मेरा दिल है कि एक नीचे जो पिंजरा बना हुआ है ना उसके आगे जाली लगाऊँ और जो लड़े हैं उनको अंदर काट दूँ और सेपरेट, क्योंकि दो तीन ऐसी फेरी हैं जो मतलब कभी अंडे नहीं दिए हुए, वो आपस में लड़ती हैं, उनको अलग करके डोली दे के तोते दे के उनको उसमें ब्रीड में लगा दूँ ताकि थोड़ा लड़े छड़े ना। अभी बाइक अंदर कर लेते हैं क्योंकि अब तो कोई काम है नहीं बाइक का, उसको करते हैं यहाँ पे खड़ा, चल भी खुद नहीं आना मुझे देखने में पड़े, सबसे पहले दरवाज़ा स्टेप लगे, उसके बाद इसको अंदर चालना खुद करना पड़ेगा मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह से कर दिया है क्योंकि काम है नहीं अब कोई बाहर का, तो इसलिए मैंने कहा चलें बाहर खड़ा हुआ है तो अंदर कर देते हैं, तो मुझे लेने थे टाइम लैप्स, मैं टाइम लैप्स लूँगा और उसके बाद मगरिब होने ही वाली है, बस सूरज भी ग्रूब हो जाएगा। इनका जो काम करना है पहले मैं खाना खाऊंगा, फिर इनका जो पिंजरा अंदर सेट करना है उसको मैं करूंगा, और कल इनको मैं अंदर शिफ्ट कर दूंगा क्योंकि कल संडे है यार, कल संडे है, कल फारिग होऊंगा तो कल कर दूंगा इनको, आज ज़रा थोड़ी आगे जाली वगैरह लगा दूंगा, अभी मैं दिखाऊंगा अंदर जाके, फिक्र नहीं करनी, तो जाके दिखाऊंगा, तो वो फिर कल इनको उसमें जो लड़ते हैं जो फारिग हैं तोतियाँ उनको उसमें कर दूंगा, उनको डोरियाँ लगा दूंगा, उसमें लगाती रहेंगी, जो अंडे शंडे देने के अलग भी रखने चाहिए। अभी मैं पता क्या उड़ा रहा था, गुड्डा, ये देख सकते हैं डोर, तो किसी का पीछे उड़ा रहा था वो आ गया, उसका उसने कहा था ज़रा पकड़ो, पसंद भी आ रही है कि बन कोई अगले महीने है, तो मैंने तो नहीं उड़ाने, मैं मजाक कर, वैसे मैंने दो तीन साल बाद मैंने इसको आ लगाया, हाँ 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 तो मोबाइल वो सामने टाइम लैप्स पे लगा। आज का जी हमारा रात का खाना है चावल, आलू की भुजिया और रोटी, और साथ मैं तो आई था, तो बीच में मैंने क्यों व्लॉग रोका, क्योंकि पेड़ से लड़ने लग गए थे, उनको मैं अलग कर रहा था ज़रा पिंजरा वगैरह सेट करके, अभी मैं खाना खा लूँ फिर मिलता हूँ, भूख बहुत लगी हुई है, तो मैंने शाम को नहीं खाया था, चाय पी ली थी और साथ वो बकरी खानी खा ली थी, तो मुझे भूख नहीं थी, अभी खा उनको 7:30 हो रहे हैं। ये देखें, हाँ जी पापा जी, ये क्यों लगाई है इधर, उतारो इसको। तो ठीक है जी, अपने व्लॉग का भी यहीं पे एंड कर लेते हैं, व्लॉग पसंद है मस्त लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों से शेयर कर दें, तो जो गुड्डा उड़ा रहे थे, गुड्डे नहीं उड़ाने चाहिए, उसका भी मैंने लेके फाड़ दिया था, तोड़ दिया था, मैंने कहा था गुड्डे नहीं उड़ाने, तो गलत बात है क्योंकि ऐसे दूसरे लोगों में नुकसान होता है, और ज़हर जब डोल लमकती है, खुदा न खासा किसी को नुकसान पहुँचे कुछ हो, मैं तो वैसे ही ले रहा, उसने मुझे पकड़ा दिया था, मैंने उसके बाद वो आया, मैंने इसको तोड़ दिया, फाड़ दिया था, मैंने कहा था गुड्डा नहीं उड़ाना, ना बसान बनानी है ना गुड्डे उड़ाने, तो उसको मैंने समझाया था, तो ऐसे ही हमने मैं उड़ाता था तो बहुत पहले उड़ाए थे, तकरीबन 2-3 साल पहले, काफ़ी पहले उड़ाता था, पर अब नहीं, अब शौक़ ही नहीं है, अच्छी बात है, शौक़ नहीं है कि नुकसान भी होता है, किसी को खुदा न खासा कुछ हो जाए फिर ये अच्छी बात नहीं होती, तो मैंने लेके फाड़ दिया था उसका, ये मतलब कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मेरे को आपको व्लॉग पसंद आएगा, बाय।